हाय फ्रेंड्स, तो क्या राहुल गांधी सन 2001 में बैंड ड्रग्स रखने के लिए बोस्टन एयरपोर्ट पे रोक लिए गए थे? ग्लोबल न्यूज एजेंसी AFP के हवाले से एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग के तौर पर यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि राहुल गांधी और तत्कालीन कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी बोस्टन एयरपोर्ट पर सन 2001 में एक घंटे के बैंड ड्रग्स रखने के लिए रोक लिए गए थे। साइबर क्राइम इंटरवेंशन ऑफिसर और फेक न्यूज चेकर के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि AFP न्यूज की वेबसाइट चेक करने पर ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आई है। छानबीन से यह पता चला है कि foday.com वेबसाइट से कोई भी व्यक्ति अपनी मनपसंद कहानी को अपने मन मुताबिक हेडलाइन लगाकर किसी भी अखबार के पन्ने की तरह बना सकता है और यह न्यूज़पेपर क्लिपिंग भी बोस्टन न्यूज के अखबार की तरह foday.com वेबसाइट यूज करके किसी मनचले व्यक्ति ने अपनी मनगढ़ंत कहानी अपने मनपसंद हेडलाइन कि राहुल गांधी बोस्टन एयरपोर्ट पे बैन ड्रग्स के लिए रोक लिए गए डालकर बोस्टन न्यूज अखबार के कटिंग की तरह सोशल मीडिया पर शेयर की हुई है। मित्रों, सच तो यह है कि द हिंदू में 30 सितंबर 2001 को यह खबर छपी थी कि बोस्टन एयरपोर्ट पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को पूछताछ के लिए एक घंटे रोका गया, लेकिन साथ में यह भी लिखा था कि 9/11 के आतंकी हमले के बाद FBI ने सुरक्षा जांच बढ़ा दी थी और इस वजह से राहुल गांधी और श्रीमती गांधी को बोस्टन एयरपोर्ट पर एक घंटे पूछताछ के लिए रुकना पड़ा था और इसलिए नहीं कि राहुल गांधी के पास से बैंड ड्रग्स मिले थे या उनके पास बेहिसाब नकदी होने का आरोप था। तो मित्रों, आप अनवेरिफाइड झूठी खबरों पर ध्यान न दें। अक्सर सियासी उठापटक के माहौल में इस किस्म की झूठी खबरें वोट बैंक प्रभावित करने के लिए फैलाई जाती हैं। लेकिन फेक न्यूज फैलाने वालों के लिए एक वार्निंग, एक चेतावनी यह भी है कि पकड़े जाने पर उन पर मानहानि का दावा और बहुत कड़ा जुर्माना भी हो सकता है। सब सावधान रहिए। कीप वॉचिंग थ्री लॉग्स, योर चैनल, योर वॉइस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अपने कमेंट्स मुझ तक पहुंचाते रहिएगा। कीप सेफ एंड बाय बाय।